अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा, और वक्त के साथ में उन गलतियों से सीखते भी हैं। हो सकता है आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ हो, एक गलती आपने कर दी है और उसका एहसास आज आपको होता है। आपने अपनी मोहब्बत को ये सोचकर छोड़ दिया था कि वो आपको धोखा दे रही है, वो आपको चीट कर रही है, वो आपके साथ में सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए है। ब्रेकअप के टाइम वो बहुत रोई, उसने बहुत समझाया कि यार आई लव यू, डोंट लीव मी। बहुत रोई, बहुत ज्यादा। उसने हर एक कोशिश की आपको समझाने की, बट आप ही थे नहीं समझे। आपके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था, नफरत इतनी ज्यादा थी कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसका दिल कितना सच्चा है, वो कितना प्यार करती है। वक्त गुजरा, आप आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़ गई, बट आज आपको एहसास हुआ है आपकी गलती का। आज आपको पता चला है कि गलती तो आपकी थी, वो आपको दिलो जान से मोहब्बत करती थी और बेहद मोहब्बत करती थी, बट आपने क्या किया, उसको धोखेबाज का टैग दे दिया और हमेशा के लिए उसको छोड़ दिया, रोते हुए, तड़पते हुए। और ये चीज़ आज आपको जीने नहीं देती। आज आप घुटते हैं, मरते हैं, इसलिए नहीं कि आप उसे प्यार करते हैं। मूव ऑन आप भी कर चुके हैं, मूव ऑन वो भी कर चुकी है, लेकिन जो ये कसक है दिल में ना कि मैंने उसको धोखेबाज समझा, मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसको रुलाया, एक सच्चे दिल को दुखाया, ये चीज़ आज आपके दिल को दुखाती है, आपको जीने नहीं देती। आप तिल तिल करके मर रहे हैं, क्या है आपके साथ में ऐसा? अगर है ना, तो एक बार जाइए उसके पास, सॉरी बोलिए, नो मैटर वो कहाँ पर है, किस हालात में है, वो खुश है या दुखी है, वो आपको भूल चुकी है या अभी भी याद करती है, इस बारे में कतई मत सोचें, चले जाओ। क्योंकि सच में हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में उसे कोई प्यार करने वाला मिला हो, वो आपको भूल चुकी हो, आगे बढ़ चुकी हो, क्योंकि आपने उसका बहुत दिल दुखाया। बट यकीन मानो, वो आज भी उस दर्द के साथ में गुजर रही होगी। ये दर्द बहुत बड़ा होता है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में गलत नहीं सोचते। वो एक लौता इंसान हमारे दिल में होता है और वही हम पर जब शक करता है, उंगली उठाता है, ये चीज़ झेली नहीं जाती, ये चीज़ भूली नहीं जाती। वो अपनी ज़िंदगी में चाहे कहीं पर भी हो, कितना भी खुश क्यों ना हो, उसके दिल में वो कसक आपका शक करना, आपका धोखेबाज कह देना, आपका उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देना, आज भी उसको उतना ही दुख देता होगा जितना उस टाइम देता था। आज भी उसको अंदर से झिकझोर दिया करता होगा, कैसे आपने उस पर शक कर लिया, उसके ऊपर उंगली उठा दी। एक सच्चा अच्छा इंसान ये नहीं झेल पाता कि कोई उसको धोखेबाज कहते, जो कि आपने करा था। आप भी इस चीज को कभी भूल नहीं पाएंगे जब तक आप उससे जाकर माफी नहीं मांगेंगे। कभी कभी माफी मांगना, माफी दे देना सब कुछ भुला देता है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, एक बार जाइए, कांटेक्ट कीजिए, मिलिए, सिर्फ एक बार, और पैरों पे आके ना सॉरी बोलिए अपनी हर उस एक शब्द के लिए जो आपने उस टाइम पर उसको बोले थे, अपने उस बिहेवियर के लिए जो आपने किया था, उसके हर एक उस आंसू के लिए जो आपके वजह से उसकी आंखों में आए थे। वो ज़रूर आपको माफ़ करेगी, वो कहीं पर भी होगी, कैसे भी हालातों में होगी, वो आपको हमेशा के लिए माफ़ कर देगी। और एक बार ये माफ़ी आपने मांग ली ना, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कितना हल्का महसूस करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। आप अपनी लाइफ को फिर इन्जॉय कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। वो जो हुक है ना, जो दर्द है, उसने आपको रोका हुआ है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और वही दर्द, वही दुख उसे भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उस हुक को खोलने की ज़रूरत है, इस पेन को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी बस एक बार माफ़ी मांग। वो माफ़ी आप चाहे फ़ोन पर मांगे, मिलकर मांगे, बट वो माफ़ी ज़रूर मांगे। उसको ये एहसास करवाइए कि वो कितनी सच्ची थी और गलती आपकी थी, ताकि वो भी सुकून में आ पाए और आपके दिल को भी सुकून मिल पाए।